ब्रीच जरूर हुई है बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है। मैं देश के सभी विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि नरेंद्र मोदी से नफरत करने के चक्कर में देश से नफरत मत करो। तो क्या आप चाहते हैं कि बीजेपी चाहती है राहुल गांधी उनका सर फोड़ देते हैं? क्योंकि बेरोजगारी होना, महंगाई बढ़ना, ये देश की समस्याएं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश की संसद पे हमला कर दिया जाए। ये तो अराजकता है, ये तो नक्सलवाद है। संसद जो है वो भाजपा की थोड़ी है, भारत के लोकतंत्र का मंदिर है, और उसके अंदर उत्पात मचाना, उसमें घुस जाना पूरी एक बड़ी साजिश के तहत योजनाबद्ध तरीके से, तो मुझे लगता है वो लोग नौकरी मांगने नहीं गए थे, उनका मोटिव कुछ और है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो नक्सलवाद है, और इस देश को कुछ लोग जो हैं नक्सलवाद के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में, और ये देश का दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटनाओं को क्रांति से जोड़ा जा रहा है। मैं देश के सभी विपक्ष से अनुरोध करूंगा कि नरेंद्र मोदी से नफरत करने के चक्कर में देश से नफरत मत करो। संसद पे हमले को जस्टिफाइड करने की कोशिश मत करो। सर, राहुल गांधी उस टाइम पार्लियामेंट पे मौजूद थे जिस समय हमला हुआ था। बीजेपी के कुछ लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने उनके साथ कुछ नहीं किया, जबकि कुछ सांसदों ने उनके साथ मारपिटाई भी की थी। तो क्या आप चाहते हैं कि बीजेपी चाहती है राहुल गांधी उनका सर फोड़ देते हैं? अजीब तरह का सवाल है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जो लोग इन उत्पातियों को, इन उपद्रवियों को क्रांतिकारी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश के खिलाफ बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। बीजेपी एमपी सुरक्षा ब्रीच हुई है वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है मोदी जी की पॉलिसीज के कारण, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिला। तो ब्रीच जरूर हुई है बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है।